क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, आधार बीमा 4 मीटर × 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर घनाभकार, घनाभाकार ढांचे की लंबाई यल बराबर कितना दिया गया, लंबाई मेरे को अभी पता था, लंबाई हमको दिया गया है 4 मीटर। अब फिर निकलेंगे घनाभाकार ढांचे की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। फिर लिखेंगे घनाभाकार ढांचे की ऊंचाई 2.5 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, लिखेंगे घनाभाकार ढांचे की, घनाभाकार ढांचे की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे 2 LB BHHL - LB, हम घटा देंगे तिरपाल का। तो अब सॉल्व कर लो, हमको 2L पता है, 4 × 3 + 3 × 2.5 + 4 × 2.5। चलिए सॉल्व कर लेते, 2 × 4 = 12 + − LB, LB = 4 × 3। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 × 3 = 12, 25 × 3 = 75, मतलब 7.5 रुपया, 7.5 रुपया प्लस 25 × 2.5 × 10 − 12, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम लोग, 12 × 10 = 22, 22 × 7 = 29.5 × 2 = 29.5 × 2, 2 × 2 = 18, 19 = 82, 2 × 4 = 5, 59 कितना आ गया, 59 रुपया आ गया, 59 − 12 रुपया घटा, 9 × 2 = 7, 5 × 6 = 4, 47 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही आया गया। कितना निकल के आया, 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल बनाने के लिए उसको आवश्यकता होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 7 की प्रश्नावली जो हमारी थी 13.1 की शिक्षा समाप्त हो जाती है।